हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल का अचार। और कटहल की सब्ज़ी भी बनती है, काफ़ी टेस्टी होती है, और अचार तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आज वही बनाने जा रही हूँ, तो सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं। तो कटहल कट करने से पहले मैं अपने हाथों को लगाऊंगी तेल और फिर ही इसको कट करूंगी। तो हाथों को तेल लगाने से इसको कट करना आसान हो जाता है, क्योंकि अचार बनाना आसान है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इसको कट करना ही होता है। तो अभी इसके भी छोटे छोटे मैं ये टुकड़े कर लूँगी, ताकि इसे ऊपर से छीलने में आसानी हो जाए। तो अभी ये ऊपर वाला इसका छिलका उतार देना है। तो छिलके सारे उतारने के बाद एक बार फिर से मैंने अपने हाथों को तेल लगा लिया, और अब इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो मैंने सारा कटहल छोटे पीसेस में कट करके रख लिया। तो अभी इसे करना है बॉयल, और मैंने ये पतीला रख दिया पानी का, और इसे 5 मिनट तक अभी बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 5 मिनट तक। बस अभी इसे 5-6 मिनट हो गए बॉईल होते हुए। तो अभी अच्छे से इसका पानी ऐसे छाननी से छानने के बाद इसको फिर मैं निकाल रही हूँ। तो अभी इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रहने देना है, क्योंकि अभी ये गर्म है, और उसके बाद आगे का स्टेप करना है। तो अभी ये ठंडा हो गया था, और इसमें मिला दिया मैंने हल्दी, मिला दी 2 चम्मच, और साथ ही साथ 2 चम्मच मिला दिया नमक। और अच्छे से मिला लेना अब इन सबको। और उसके बाद इसे रख देना धूप में। तो ये देखिए, अच्छे से सारी हल्दी और नमक इसमें मिक्स हो गया, और अभी इसे मैं धूप में फैला दूंगी। अगर धूप बहुत तेज है तो बस 2-2.5 घंटे के लिए धूप में इसको रखें, और अगर धूप कम है तो आप 3-4 घंटे के लिए फिर इसको धूप में रखें रखें। अगर धूप नहीं है तो आप ये सारा प्रोसेस शाम को करें, और पूरी रात भर इन्हें फैन के नीचे रख दें, और सुबह इसका अचार बनाएं। तो जो ये हमारा कटहल है, तो ये 800 ग्राम होगा, उसी के हिसाब से मैंने मसाले बताया आपको। तो ये देखिए, अभी धूप लगने के बाद ये ऐसा हो गया एकदम से। और अभी हम मसाला बना लेते हैं। तो ये तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया गैस पे, और सबसे पहले तो मैंने इसमें 1 चम्मच डाला मेथी दाना, और 2 चम्मच साबुत ये धनिया, और 2 चम्मच ही सौंफ, और ये 2 चम्मच जीरा। अब इन सबको अच्छे से भून लेना है, और फिर इन्हें दरदरा पीस लेना है। तो अब ये भून चुके हैं, और ये मैंने अभी गैस बंद कर दी है। उसके बाद मैंने ये पीली वाली सरसों डाली है 2 चम्मच। तो गैस बंद कर दे तो फिर पीली सरसों डालें, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये भुन जाती है। और ये भुन गया अभी, और कुछ देर ठंडा करके फिर इन्हें पीस लेना दरदरा।
तो मैंने यहाँ कुंडी डंडा ले लिया, तो इसी से मैं इसको दरदरा करूँगी मसाले को। तो मुझे ये देसी वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसी में इसको घोटूंगी। तो ये देखिए अभी मसाला रेडी हो गया, तो इतना बारीक काफ़ी है जी, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। और अभी मैंने ये लाल सूखी मिर्ची ले ली है और इसे भी मैं थोड़ा दरदरा कूट लूँगी अचार में डालने के लिए। तो ये अभी मिर्चें हो गई हैं और सबसे पहले जो मसाला मैंने बनाया तो वो डाल दिया अभी। उसके बाद ये डाल दी मैंने कलौंजी, तो ये कलौंजी भी 2 चम्मच है, और ये देगी मिर्च जो कलर वाली मिर्च होती है वो, तो ये 1.5 चम्मच डाली है, और ये वाली कुटी लाल मिर्च तो ये मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा तीखा अचार अच्छा लगता है। और अभी ये डाल दिया मैंने काला नमक, तो ये डाला 2 चम्मच। अभी वाइट वाला नमक, तो ये मैंने डाला 3 चम्मच। और ये है 2 चम्मच ये सिरका, ये बड़े चम्मच है 2। और ये 1 कप सरसों का तेल, तो तेल गर्म करके नहीं कच्चा ही डालना है क्योंकि अचार को बाद में धूप भी लगनी है और फिर ये पक जाएगा। और अभी अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया सारा अचार। अभी ये मैंने कांच के बर्नी ले लिए, इन्हें धो के मैंने धूप पे सुखा लिया और अभी इसमें अचार भर लेंगे। तो दबा दबा के इसको भर लेना है। तो ये अचार आपका 1 साल से भी ज़्यादा तक चलेगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप इसी तरह से बनाओगे। तो एक ये बोतल हमारी भर गई है बर्नी, और अभी दूसरी में डाल लेते हैं। तो ऊपर से डाल दिया मैंने फिर से सरसों का तेल, तो ये इसलिए डाला क्योंकि इससे अचार ख़राब नहीं होगा आपका, क्योंकि अचार अगर ज़्यादा देर तक रखना है तो उसमें ऑयल तो पड़ेगा ही ज़्यादा। तो ऊपर से ये एक बांध दिया मैंने कॉटन का कपड़ा, और अभी 10-12 दिन डेली 1.5-2 घंटा इसे धूप में रखना है। पूरा दिन धूप में नहीं रखे रखना, सिर्फ 1 या 2 घंटे अच्छी धूप है तो वो लगवा के फिर इसको अंदर रख लेना है। तो इसको धूप लगवानी है इसलिए इसमें तेल कच्चा ही डालना होता है। तो ये पक जाएगा अभी 8-10 दिन में अच्छे से, तो फिर ये अचार खाने लायक हो जाएगा। तो अचार बन के रेडी हो गया। तो अचार बना के मैंने रख लिया, तो फ्रेंड्स आप भी जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा और टेस्टी अचार होता है और साल भर खराब ही नहीं होता। और ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपनी फैमिली का, बच्चों का ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।